हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरे डाटा टैंक के अपडेट की सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड पर टच करें और वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशंस दे सकते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे इस टैंक के बारे में। तो मुझे ये टैंक सेटअप कर के लगभग 8 महीने हो चुके हैं और मैंने इस टैंक की फ़र्स्ट वीडियो 7 महीने पहले अपलोड की थी। ये वीडियो 8 मंथ्स के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, और मैंने 2 मंथ्स का अपडेट दे दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई कार्ड में भी है। आप देख सकते हैं कि मेरे एक्वेरियम स्नेल्स हो गए हैं। ये टैंक मैंने कैसे बनाया और इसमें कौन से प्लांट्स यूज़ किए, इसकी भी मैंने वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई कार्ड में डाल दूँगा। क्योंकि मैं 6 महीने के लिए लखनऊ में था और इस टैंक में मैंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, तो इसमें थोड़ी बहुत एल्गी आ गई और स्नेल्स आ गए और मेरे श्रिम्प्स भी मर चुके हैं, क्योंकि इनका वाटर पैरामीटर्स बहुत बेकार हो चुका था, क्योंकि वाटर चेंज टाइम टू टाइम हो नहीं रहा था। बट फिशेज अभी भी ठीक हैं, बट श्रिम्प्स अब मर चुके हैं। और स्नेल एग्स भी आप देख सकते हैं ड्रिफ्ट वुड पर, काफ़ी जगह पे ऐसे स्नेल एग्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, और थोड़ी बहुत एल्गी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कारपेट जो है, मेरा कारपेट प्लांट जिसे ड्रॉफ सैग भी बोलते हैं, वो हर जगह फैल चुका है लगभग। और ये ऐसे फैलता है कि जैसे कि इसमें एक छोटी सी डाली निकलती है, वो ज़मीन के अंदर जाती है सबस्ट्रेट में, और दूसरा एक प्लांट निकल आता है, ऐसे ही कर करके वो पूरे में फैल जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे ही ये कारपेट पूरी जगह फैल जाता है, इसे CO2 की ज़रूरत भी नहीं होती है और ये बहुत लो टैग सेटअप के लिए बहुत अच्छा प्लांट होता है। और मैं टाइम टू टाइम ये टैंक का मैं क्लिप करता रहता हूँ, प्लांट्स ट्रिम करता रहता हूँ, तो उससे नई लीव्स भी बहुत अच्छी निकलती है। और जैसे कि कोई इशू होता है, अगर किसी भी लीव्स पे एल्गे आने लगे तो उसे आप ट्रिम कर सकते हैं, या कोई भी दिक्कत हो उसे ट्रिमिंग से ही होता है कि प्लांट्स और जल्दी बड़े भी होते हैं और हेल्दी भी रहते हैं, जैसे कि आप न्यू लीव्स देख सकते हैं। जबकि ये सेटअप को मेरे 8 महीने हो चुके हैं, मैंने ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र, ना रूट टैब्स, ना CO2, कोई भी चीज़ नहीं यूज़ की है। मैंने सिर्फ फिल्ट्रेशन यूज़ किया था, वो भी सिर्फ स्टार्टिंग में 2 महीने के लिए यूज़ किया था, उसके बाद वो भी ख़राब हो गया, तो उसके बाद मैंने दोबारा डाला नहीं। सिर्फ वीकली 30% वाटर चेंज कर देता, वो पानी ठीक हो जाता है। बट ओपन टैंक में दिक्कत ये होती है कि इसमें बायोफिल्म जमा हो जाती है, और ख़ासकर ये टैंक मेरा किचन के पास है, तो इसमें बायोफिल्म बहुत जमा हो जाती है, तो वो निकालने के लिए आप वाटर चेंज के टाइम मग से वो निकाल सकते हैं, वो इजीली निकल जाती है। अब मैं एक नए प्लांटेड टैंक की वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, वो टैंक इससे ज़्यादा बड़ा होगा, मैं ज़्यादातर यही सब प्लांट्स यूज़ करने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाली है और मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ प्लांट्स का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।